आज मैं बनाने जा रही हूँ फुलफी ऑमलेट। आपने काफी सारे वीडियो में देखा है फुलफी ऑमलेट को बहुत ज्यादा घी से बनाते हुए, लेकिन मैं घी का बिल्कुल यूज नहीं करने वाली हूँ, तेल से बनने वाली हूँ और बहुत ही कम तेल से बनाने वाली हूँ। तो आज के वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के रेसिपी को शुरू करते बिना देर किए। आज मैं बनाने जा रही हूं फुलफी ऑमलेट। फुलफी ऑमलेट के लिए मैंने 3 अंडे ले लिए, ग्रीन चटनी, नमक, धनिया पत्ता, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और 2 पीस ब्रेड। तो सबसे पहले हम ब्रेड के किनारे निकाल लेंगे और तो अब हम ब्रेड को काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो ब्रेड हमारा काट हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम लेंगे एक बॉल। इस बॉल में हम अंडे को तोड़ लेंगे। तो अंडा हमारा सारा टूट चुके हैं, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चटनी, नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर। नमक, ग्रीन चटनी और ब्लैक पेपर डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे। अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो डालिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप बगैर ग्रीन चटनी के भी बना सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे, नॉनस्टिक पैन बिठाएंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो तवा है उससे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जब नॉनस्टिक तवा ही चाहिए। हाई फ्लेम पे पैन को गरम कर लेंगे। तवा हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे तेल, बहुत ही कम तेल डाल रही हूँ मैं। इसे हम फैला देंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम डालेंगे अंडे, मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अंडा डालने के बाद हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हम डालने वाले इसमें ड्राई फ्रूट, कटी हुई ब्रेड, एक चुटकी नमक, एक चुटकी चिली फ्लेक्स, एक चुटकी मिर्च पाउडर। अब हम इसे पलट देंगे और पलट के इस साइड को भी कुछ सेकंड हाई फ्लेम पे भून लेंगे। कलर कितना अच्छा है, हल्का तेल डालेंगे किनारों से और हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड पका लेंगे। अब इसे हम पलट के आपको दिखाते हैं, ये देखिए फुलफी ऑमलेट हमारा बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। कटी हुई है धनिया पत्ता, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बगैर धनिया पत्ता के भी बना सकते हैं। तो फुलफी ऑमलेट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, यानी कि सर्व कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, हल्के इसमें गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं।